नमस्कार दोस्तों, आई एस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बहुत दिन से डिमांडिंग टॉपिक, वेटिंग टॉपिक, हिस्ट्री। हिस्ट्री में यहाँ पर हम शुरू से अंत तक एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कक्षा 6 से लगा के कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी के आधार पर जो नोट्स बन सकता था उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। आज हम शुरू कर रहे हैं पाषाण काल से। आइए देख लेते हैं, पाषाण काल को अगर देखा जाए तो तीन कालों में बांटा जा सकता है, तीन युगों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे काल की जगह युग होना चाहिए। ये जो तीन युगों में इसको बांटा जा सकता है, ये युग हैं। ये क्रम से आप देख लीजिए, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, ये तीन युग हैं। इन तीनों युग के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इनके फीचर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें पाई गई। तो इसमें देखते हैं एक एक करके पूरा पाषाण, इसको पैलियोलिथिक एरा बोलते हैं। पूरा पाषाण काल 25 से 20 लाख साल पहले से 12 हज़ार साल पूर्व तक ये पाया जाता है। भारत में इसके अवशेष सोहन, वेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं, यानी सोहन घाटी, वेलन घाटी और नर्मदा नदी घाटी। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट देखिए या सीधा एक प्रश्न बना के। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएँ, शैलाश्रय व अनेकानेक कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट उपकरण जैसे हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रेपर आदि ये मिले हैं। इनके नाम सब ऐसे ही याद रखिएगा, एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, सब याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कहाँ मिला है या स्टेटमेंट देखिए कि यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप आसानी से कर देंगे। अन्य महत्वपूर्ण स्थल देखें तो कुरनूल गुफाएँ और हुंसी, ये महत्वपूर्ण स्थलों में हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसा स्थल है, तो ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल से संबंधित है, यानी कि मानव का इतिहास अभी तक देखें तो इतना लंबा काल ये था कि 99% कहानी इसी काल से रिलेटेड आपको मिलेगी। मध्य पाषाण युग के बारे में हम बात करें तो इसको मैसोलिथिक एरा बोलते हैं इंग्लिश में, और ये 12 हज़ार साल से लेकर 10 हज़ार साल पूर्व तक का ये युग है, और इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। समझ रहे हैं, लघु पाषाण युग या माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। और इस काल में पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलते हैं, पर्यावरण में बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव हुआ था। इस काल में औजार आमतौर पर छोटे होते थे जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। जो यहाँ पर माइक्रोलिथ की बात हुई थी ये छोटे औजारों के कारण हुई थी, ये आप याद रखिएगा। इन औजारों में प्रायः हड्डियों या लकड़ियों की मुठियाँ यहाँ पर होना चाहिए, मुठिया नहीं मुठिया लगी होती थी। जो यहाँ पे औजार पाए जाते थे, मुठिया यानी कि जिसको पकड़ा जाता है, तो उसमें जो मुठिया लगी होती थी वो हड्डियों की या लकड़ियों की लगी होती थी। और हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। हंसिया कैसे होती है, ऐसे करके हंसिया होती है, छोटा सा ये एक मुठिया यहाँ लगी होती है और ये ऐसे हंसिया होती है, और आरी आप जानते ही हैं ऐसे ऐसे करके आरी होती है। तो ये औजार उसमें पाए गए। ये काल कौन सा था, मध्य पाषाण काल। प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से ये चीज़ें किस काल में पाई गई, या स्टेटमेंट दे देगा, काल भी इसका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल में जो चीज़ें पाई गई उसको हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल इसके हैं, इसके पहले देख लें कि ये 10 हज़ार साल से 3300 ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है। मानव ने कृषि करना सीख लिया था, मानव खेती करने लगा था। और महत्वपूर्ण स्थल जो थे ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में पाया जाता है, कोलडीवा व महागढ़ा ये उत्तर प्रदेश में आपके पाए जाते हैं, नीचे दिया होगा। तो ये देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद में ये तीसरा स्थल है गुफकराल, और चौथा स्थल है बुरजहोम, ये कश्मीर में पाए जाते हैं। ये सुमेलित करने में ऐसे पूछ लिया जाएगा, हुल्लूर और पय्यमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में और चिरान बिहार में। तो ये इम्पोर्टेंट स्थल हो गए। इसके बाद में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि शैलचित्र के बारे में, तो शैलचित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के बिंद पहाड़ी के कंदराओं में मिला, ये जिसे सीता कोहवर नामक स्थान पर 12 फरवरी 2014 को एक गुमनाम पत्रकार शिव सागर विंद ने खोज निकाला था। क्योंकि ये जल्दी की रिलेटेड घटना है, इससे आपसे अगर नज़र पड़ गई तो इससे प्रश्न बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसकी पुष्टि के लिए ये देखिए, पुष्टि में ऐसी स्पेलिंग हो गई है छोटी की मात्रा, पुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारियों ने, जिसकी पुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए की, ठीक है ना, जिसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारियों ने की। यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें पाषाण युग और उसके बाद का मानव जीवन संक्षेप में दिया हुआ है, काम की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। आइए देखते हैं,
पहला देखिए दिया है पूरा पाषाण काल। यहाँ पे टोटल युग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि युग तो पाषाण युग है, लेकिन इस पाषाण युग को 3 कालों में बांटा जाता है। तो ये पूरा पाषाण काल और ये मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये पूरा ऐसे अगर डिवाइड करें इसको, 3 भाग इसके हो गए। तो औजार इसमें पाए जाएंगे हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग होता था, भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदा, ये सारे पाए जाएंगे। इसको अगर कहिए तो और हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, खिसकाना पड़ेगा बार बार। तो और इसमें पूरा पाषाण काल में अर्थव्यवस्था देखें तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों में अर्थव्यवस्था कैसी रही है? ये दोनों में अर्थव्यवस्था शिकार एवं संग्रह, खाद्य संग्रह की रही है। आगे हम बात करते हैं इसमें शरण स्थल भी अगर देखें तो ये दोनों कालों में, ऐसा करते हैं दोनों कालों की बहुत सारी चीज़ें कॉमन है तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो औजार मध्य पाषाण काल में अगर हम देखें तो ये औजार हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार औजार के रूप में उपयोग, धनुष, तीर, जब धनुष पाया जाएगा तो तीर पाया जाएगा, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार और नौका मिलते थे। अर्थव्यवस्था शिकार एवं खाद्य संग्रहण हम बता ही चुके हैं। शरण स्थल यहाँ पे देखें तो अस्थायी जीवन शैली थी, गुफा, अस्थायी झोपड़ियाँ, मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे। नदी एवं झील के किनारे क्यों पाए जाते थे? क्योंकि यहाँ पे इनके खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। और समाज क्या था? 25 से 100 लोगों का समूह हुआ करता था और अधिकांशतः एक ही परिवार के सदस्य ये समूह में रहा करते थे। काबिले एवं परिवार समूह इसमें पाए जाते थे। आगे यहाँ पे देखिए जानकारी दी है कि धर्म मध्य पूरा पाषाण काल के आसपास मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास के साक्ष्य कब्र एवं अंतिम संस्कार के रूप में मिलते हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल के आसपास मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास के साक्ष्य, ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप कर देंगे। और आगे हम बढ़ते हैं और ये नवपाषाण काल पे आते हैं। नवपाषाण काल के आते आते हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार और औजार के रूप में उपयोग जो होता था उसमें चिसल यानी कि लकड़ी और पत्थर छीलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो चिसल आपसे पूछा जा सकता था, कैसे पूछा जा सकता है कि कैसा औजार था? खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार, मिट्टी के बर्तन, हथियार, ये सब प्रयुक्त किए जाते थे क्योंकि नवपाषाण काल था तो प्रयोग होना ही था। खेती की जाने लगी थी, शिकार एवं खाद्य संग्रहण, मछली का शिकार और पशुपालन होने लगा था। खेतों के आसपास बसी छोटी बस्तियों से लेकर काश युग के नगरों तक इसमें पाए जाते हैं। नवपाषाण काल में कबीले से लेकर काश युग के राज्यों तक का विकास आपको समाज के तौर पे देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जब खेती चालू हो गई थी, जब खेती चालू हो जाएगी तो लोग एक समूह में रहने लगेंगे और धीरे धीरे कबीले से लेकर काश युग के राज्यों तक का विकास, जब लोग इकट्ठा होंगे तो लोग धीरे धीरे समूह से, फिर एक गांव बनेगा, राज्य बनेगा, ऐसी चीज़ें, गतिविधियाँ कब से चालू हुई? जब लोग खेती करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैलचित्र के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, अब खेती और पशुपालन के बारे में कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। खेती और पशुपालन की अगर हम बात करें तो खेती और पशुपालन के अंतर्गत सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला पशु जो था वो कुत्ता था, यानी कुत्ते का जंगली पूर्वज बनाया गया था, कुत्ता ही था। उसके बाद में अगर देखा जाए तो भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया था। तो क्रम यह होगा, सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया, कुत्ता, कुत्ता के बाद में भेड़ और बकरी, इनको पालतू बनाया गया। प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ थी, आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाता है आप इसको टिक करिए। चावल का साच्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कोलडीहवा से, यहाँ पे होना चाहिए कोलडीहवा, ये छूट गया है। चावल का साच्य जो है वो कोलडीहवा से ही प्राप्त हुआ है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो ये कोलडीहवा से प्राप्त हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये छूट गया है, कोलडीहवा, कोलडीहवा से प्राप्त हुआ है। और गर्त आवास अगर आपसे पूछा जाए तो ये बुरझूम, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए, कहीं ना कहीं आपने देखे ज़रूर होंगे। आगे बढ़ते हैं, और मेहरगढ़ से सर्वप्रथम गेहूँ और जौ को उगाने व भेड़ बकरी पालन का साक्ष्य मिला है। तो आपसे जब भी गेहूँ या जौ के उगाने का साक्ष्य पूछा जाए तो ये आप मेहरगढ़ टिक करेंगे, और भेड़ बकरी के पालन का भी साक्ष्य यहाँ से मेहरगढ़ से मिला है। तो मेहरगढ़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, में से एक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मेहरगढ़ से मिले हैं। और ये देखिए, जब घर वर का निर्माण कब होगा? जब लोग एक जगह रहने लगेंगे, तो ये सारा कुछ नवपाषाण काल के दरमियान हुआ। कहने का मतलब जब व्यक्ति खेती करने लगा, एक जगह पर अस्थायी जीवन जीने लगा, मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास किया जाता था
और ये कैसे कहा जा सकता है, इसलिए मृतकों के साथ कब्रों, यहाँ पे खबर लिख गया है, ये कब्रों, कब्रों में कुछ सामान रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था, तो ये माना गया होगा कि बकरी जाएगी, उसको वहाँ पे खाने के काम आएगी, इसलिए इसको रखा गया था, ऐसा माना जाता है। मैं तो वहाँ पे था नहीं। और चीन और ये म्यांमार होना चाहिए, म्यांमार की ओर, ये व्यापार लिख गया है, कुछ मिसप्रिंट हो गई है, सॉरी। म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ये दाओ अली हेडिंग, जाओ अली हेडिंग, ये आपको ये स्थान याद रखना है, हो सकता है कि आपने इसको अभी तक ना पढ़ा हो। तो दाओ अली, इसको जो इसका सही स्पेलिंग है, ये दावो होता है, दाऊद नहीं, दावो अली हेडिंग पुरास्थल था। और ये पुरास्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित था, पहाड़ी के पास में। और यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है, इसके बारे में जो ध्यान रखना है, इस स्थल से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये दावो कर लिए, दावो वाली हेडिंग पुरास्थल, सॉरी, याद रखना है आपको। इसके अलावा जेडाइट पत्थर भी मिला है, जिसकी चीन से आने का अनुमान लगाया जाता है कि ये चीन से आया होगा, इसका अनुमान ये है कि ये चीन से आया होगा। तो ये कौन सा पत्थर था? जेडाइट पत्थर। दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत व कश्मीर, तो ये याद रखिएगा, ये जो भी लोकेशंस हैं, दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत व कश्मीर, यहाँ से कब्रें मिली हैं जिनसे लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है कि दफनाया जाता था, और कुछ कब्रें जमीन के ऊपर तथा कुछ जमीन के नीचे होती थी। कब्रों से प्राप्त चीज़ों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर और सोने के गहने आदि प्रमुख हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि लोग पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद भी जन्म में विश्वास करते थे कि लोग वहाँ जाके इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, इसलिए साथ में इसको रख देते थे। आइए देखते हैं इनाम गांव के बारे में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इनाम गांव जो था, इनाम गांव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से गड्ढे में दफनाए जाने का, शव को गड्ढे में दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ है, उसके किनारे स्थित है, और यहाँ लोगों को उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि ये ऊपर उत्तर है अगर, तो ये इधर सर करके, सर और इधर पैर करके दफनाया जाता था। और कुत्तों के पैरों को, कुत्तों नहीं, कुछ पैरों को यहाँ होना चाहिए, कुत्ते कुत्ते यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, ये गड़बड़ कुछ मिसप्रिंट है। तो कुछ शवों को यहाँ पे आप मानिएगा, कुछ जो शव होते थे, इन शवों के पैरों को क्या किया जाता था, मोड़कर या काट कर दफनाया जाता था, काट दिया जाता था। और कुछ लोगों को घर के अंदर भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं तो आप इसको सही गलत जैसे भी दिए रहेंगे उसको टिक करिएगा। इनाम गांव से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज भी मिले हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों की यहाँ पर खेती होती थी, ये इम्पोर्टेंट है। तो लगभग मोटा मोटा और 90% से ऊपर हमने ये पाषाण काल के बारे में जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे उसको कवर किया। ये सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये UPPCS, IAS यानी UPSC और SSC, किसी भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगेगी इसको शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें रुचि लेंगे। अगर ये आपने इसमें रिस्पॉन्स किया तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर उपयोगी नहीं हुई तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। थैंक यू।